सबसे छोटा ऊपर वाले तो समीकरण है, तो यहाँ पर देंगे समीकरण एक प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण एक प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण क्या है, 3x माइनस की y बराबर में 3। हमने तुमसे कहा कही थी y को उधर ले जाते हैं, केवल y को, तो y को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3 प्लस y, 3 प्लस y तो आएगा। अब देखो ध्यान से, अब जो x के साथ जो संख्या लिखी होती है वो बटे में आ जाती है, इतना याद रखना बस, इसमें जो चेंज हो गया x को अकेले रखें तो क्या बचा, 3 प्लस y बटे में आया 3। देखो सौरभ बोल रहे x का मान निकल गया, ये कौन सा बनेगा, समीकरण नंबर 3। अब x का मान क्या रखते हैं, x का मान समीकरण नंबर 2 में तो रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख ला रहे पहले, है ना, क्या है 9x माइनस के 3y बराबर में 9, यही तो है, तो रखो इसमें 9 गुणा x का मान यहीं पे तो रखेंगे, कितना आया है 3 प्लस y बटे में 3 और माइनस के 3y जवानी बराबर में 9, ठीक है। देखो 3 किया 9, यदि कट रहा है वो तो, और नहीं कट रहा है तो क्या करें, कैची गुणा करें, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9, और 3 का y में करें तो कितने, 3y माइनस की 3y बराबर में 9। देखो 3y 2 प्लस माइनस के कट गए, 9 से जो 9 कट गए, कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ पे लिख दोगे जो कि असत्य, जो कि असत्य, इसके कोई भी हल नहीं है, x और y के कोई मान नहीं होंगे, ऐसा लगता है x और y के कोई मान नहीं है, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल जो कि असत्य है, जी लिखना पड़ेगा, जो कि असत्य है x।